हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब किया है उन सबका बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो जो है वो खान सर की एक वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इसका टॉपिक जो है वो उसी से पता चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के ऊपर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें। और चूंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लगातार आतंकवादी गतिविधियों में मुलव्विस, और कश्मीर के ज़रिए ये अब पाकिस्तान जो है वो भारत पर काबिज होने के ख्वाब सजाने लगा है, जो कि हम देख भी रहे हैं। इनके बयान, इनकी हरकतें, वो सब उससे पता चल रहा है। जब से तालिबान काबिज हुआ है अफगानिस्तान पे, तब से इनकी हसरतों ने और ज़्यादा इसी तरह के हसरतें इनकी पैदा हुई हैं और वो और ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो खैर, खान सर का ये वीडियो जिसका टाइटल है यूएस रिपोर्ट ऑन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान वॉर इन 2024 एंड 2025 ड्यू टू टेरर अटैक, खान सर का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये 2024-25 के बारे में कुछ इसमें यूएस रिपोर्ट का कुछ खुलासा है। सो देख लेते हैं ये वीडियो। 1, 2, 3 एंड स्टार्ट। जय हिंद। यूएस का नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल ने एक रिपोर्ट दिया। यह रिपोर्ट 4 से 5 साल बाद पब्लिश होता है। इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कई सारी बातें कही गई हैं, चाइना को लेकर, इंडिया पाकिस्तान की रिलेशन को लेकर, रिफ्यूजीज को लेकर, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो बड़ी सीरियस कही गई है। देखिए, इस रिपोर्ट में कई सारी चीज़ें होती हैं और ये बहुत सटीक रिपोर्ट दिया जाता है इसके द्वारा। इसमें कहा गया है कि आने वाले 4 से 5 साल बाद रिफ्यूजीज की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या होकर जाएगी। अब देखिए, सीरिया से कई सारे रिफ्यूजी यानी शरणार्थी आए हुए हैं। अभी म्यांमार में रोहिंग्यों का समस्या अभी कम ही नहीं हुआ था, ताकि अभी वहां पे तख्ता पलट हो गया, तो वहां से भी बहुत सारे शरणार्थी अभी जा ही रहे हैं म्यांमार छोड़ के। तो इसमें इस चीज की चर्चा है जो रियलिस्टिक भी लगती है। बहुत सारे यूएन जो है, यूएनएचआरसी यानी जो यूएन की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, उसने काफी ज्यादा यहाँ पे रिफ्यूजीज कैंप वगैरह बना रखे हैं। इसमें कहा है कि यह समस्या अभी और लंबी चलने वाली है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि ऐसे छोटे मोटे झड़प इंडिया और चाइना के बीच में देखे जाएंगे, गलवान वाला एरिया या अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम में, ये दोनों देखे जाएंगे, लेकिन ये झड़प हमें थोड़ा सा स्टैंड ऑफ के तहत रुक जाएगी। जैसे गलवान घाटी में हुआ, थुरा के चल गए सब चाइना वाले, ये फादर ऑफ कोरोना, वैसे ही ये भी हो जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट में पाकिस्तान से थोड़ी सी मतलब जो रिपोर्ट में सामने बताया गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को ढील दे देगा और 2024 से 2025 के बीच में पाकिस्तान से बहुत बड़ा टेरर अटैक होगा इंडिया की ओर से, जिसका जवाब इंडिया बहुत ही करारा जवाब देगा, जिससे कि यह बहुत बड़ा युद्ध का रूप ले लेगा, जैसे कारगिल से भी बड़ा युद्ध का रूप लेगा। कारगिल भी तो एक तरह से समझिए कि तो पाकिस्तान की आर्मी खुल के सामने नहीं लड़ी थी, हालांकि पाकिस्तानी आर्मी के थे सब वहां पे, लेकिन खुल के नहीं आई थी। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे अमेरिका को देखिए, अमेरिका तालिबानी आतंकवादियों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, तो जैसे यहां अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवादियों का दबदबा आएगा, तो पाकिस्तान इन आतंकवादियों के थ्रू इंडिया में कंफर्म अटैक कराएगा। और इंडिया में अटैक कराने का मतलब इंडिया जवाब देगा, जिस तरह पुलवामा में हुआ था, उरी अटैक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इस तरह से बहुत बड़ा। इस रिपोर्ट के अनुसार अब स्ट्राइक ना होकर बल्कि एक पूरी तरह से फुल फ्लेजेड एक बड़े पैमाने पर वार होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिसका सबसे बड़ा कारण बढ़ेगा आतंकवाद। और कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता ही है, इनके आतंकवाद बहुत भयानक लेवल पर है। इन लोग को लगता है कि पूरी दुनिया में फतह करेंगे लुंगी पहन के यहाँ पर, और इसका नतीजा उनको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। देखिए, अमेरिका में जब भी देखा गया कि डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार आती है तो वो युद्ध ज्यादा करते हैं, चाहे ये जो बाइडेन हो गए, ओबामा हो गए, बुश हो गए, हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप थे, ये ट्रंप साहब चले गए अपना कार्यकाल पूरा करके, कोई युद्ध नहीं किया, हालांकि इन्होंने मेन फोकस चाइना और ईरान को किया था, लेकिन डेमोक्रेटिक वाले हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। ओबामा साहब के समय देखिए कई लड़ाई लड़ी गई थी, उस समय सीरिया का भयानक इशू हो गया था, लीबिया वाली लड़ाई हो गई थी, फिर भी ओबामा को क्या मिल गया, शांति का नोबेल पुरस्कार मिल गया। और हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरे भारत में वैक्सीनेशन नहीं हुआ, ये देखने के बावजूद पूरे दुनिया को मदद कर रहे हैं, कोरोना वैक्सीन भेज रहे हैं। अगर नहीं भेजे तो क्या इनके ऊपर कोई प्रेशर लगेगा? नहीं। लेकिन इनके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री को नोबेल पुरस्कार शांति का नहीं मिलेगा, लेकिन चार को युद्ध लड़ लेंगे फिर भी शांति का नोबेल दे दिया जाएगा इनको। ये लोग एकदम होशियार है। देखिए भाई साहब, एक बात बताते हैं, अगर कोई आपको अंधेरे का डर दिखा रहा है तो मतलब आपसे टॉर्च बेचना चाहता है, तो ये भी युद्ध का डर दिखा के हथियार बेचना चाहते हैं। ये जो बाइडेन है बहुत बड़का होशियार बनते हैं, हथियार ले लो, बम ले लो, तोप ले लो, बंदूक ले लो, मिसाइल ले लो, इसे सब हथियार का व्यापारी है सब, इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में ये रिपोर्ट दिखा के और हथियार बेचना चाह रहा है। पाकिस्तान तो डर के मारे ले ही लेगा कि भैया हमारा क्या हाल होगा यहाँ पर।
लेकिन एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि 2024 से 25 के बीच में ये रिपोर्ट सही भी हो जाएगी तो हमारे लिए तो अच्छा है। मोदी जी से बार बार पूछा जाता है कि हम लोग पीओके क्यों नहीं ले आ पाते। 1947 से 48 के बीच में जैसे देश आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान ने भारत का ये 30% एरिया जो ग्रीन वाला देख रहे हैं इसे पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, ये कब्जा कर लिया और इसमें से लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का ये जो था ये चाइना को गिफ्ट दे दिया था। ये इसे सक्सक्राम वैली कहते हैं, चाइना को इसने गिफ्ट दे दिया। तो हम लोग को पीओके को वापस लाने का यही एक अच्छा बहाना हो जाएगा, तुम आतंकवादी हमला करो हम लोग इधर से पलट के कर देंगे। अब अमित शाह के लिए तो भैया खुशी का कोई ठिकाना नहीं, 2024 के चुनावी मैनिफेस्टो में कह देंगे कि एकदम इस बार हम लोग लेके आएंगे पीओके। अच्छा बात है भैया, हमारा जो टुकड़ा हुआ भारत है अखंड भारत बन जाए, ऐसे कोई अजुराते रहे हम लोग थूर थार के बराबर कर देंगे। कौन सा डर लगा हुआ है हम लोग को अखंड भारत, हम भी चाहते भैया भारत अखंड हो जाए, हम कहां से कहां तक चालू होते थे यहां पर। और इसमें ये सलमान खान एकदम खुश है, ये क्या लिए खुश है, कह रहा कि भैया मेरा एक तो मूवी था बहुत हिट कर गया, एक था टाइगर, अब 2024 में एक तो मूवी बनाने जा रहा है। इसको क्या लगता है भाई साहब, सलमान भाई, बजरंगी भैया, इनका क्या सोचना है कि भैया 24-25 में जब पाकिस्तानी हमला करेगा तो भारत के हमले में पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, तो एक मूवी बनाना चाहते हैं, एक था टाइगर नहीं एक था पाकिस्तान बना, बहुत अच्छा हम भी देखेंगे, चलेगा बहुत अच्छा मूवी। आप मत रोइए मत रोइए, देखिए आप ही लोग की गलती है, हम लोग जबरदस्ती मारने आते हैं, हम लोग गए थे पुलवामा में हमला करने के लिए, आप ही का मंत्री कह रहा है कि हम लोग पुलवामा में मारे हमला, अरे भैया आप सोते हुए सैनिकों को मारे, हम लोग आपको उठा के धो के चले हैं भोरे भोरे। मत रोइए मत रोइए मत रोइए मत रोइए, चुपचाप हो जाइए। जितने स्टूडेंट हैं उन लोग के लिए कर रहे हैं भैया एनडीए और सीडीएस वाले, आप दिल लगा के पढ़ाई कीजिए क्योंकि ये आप लोग के लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस बार जिनके एनडीए होगा 24-25 तक वो पासिंग आउट परेड होकर आर्मी में शामिल हो जाएंगे, और सीडीएस वालों के लिए आप लोग जबरदस्त कीजिए, या इंडियन आप पहुँचिए खड़कवासला में या फिर अपना IMA देहरादून इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वहाँ बेहतरीन अफसर बन के निकलिए और लड़ाई में भाग लीजिए। देखिए हम तो भाई गए थे एनडीए के थ्रू तो हमारा हाथ टेढ़ा है, देखिए हमको ये इतना ज़्यादा एंगल है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो कम से कम आप सेलेक्ट हुई और धो के आइए और आप लोग इस रिपोर्ट के हिसाब से धोइए, इसलिए बहुत जल्दी हम एनडीए और सीडीएस के बैच को आपको बताएंगे और आप सब लोग इस बैच में आएंगे और इस बैच में निकलने पास होने के बाद आर्मी में ट्रेनिंग लेके 24-25 में धोइए, ताकि उस समय हम बताएं कि भाई देखो हमारे बैच का लड़का धो के आया है सब यहाँ पर। अभी पाकिस्तान के पास ये समस्या नहीं, यूएन की एक रिपोर्ट के हिसाब से 3 से 4 साल बाद पाकिस्तान के पास एक वाटर क्राइसिस आ जाएगा, यहाँ पर पानी की एक बहुत बड़ी समस्या आएगी। देखिए पाकिस्तान का जो सिंध और पंजाब वाला एरिया है ना, बस यही ठीक है, लेकिन उधर खैबर पश्तूनवा हो गया या फिर बलूचिस्तान हो गया, वहां पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, तो पानी की इतनी भयानक समस्या आने वाला है, इन लोग को पता ही नहीं है, इन लोग अभी दूसरे दुनिया में जी रहे हैं, इनको कहना है कि कश्मीर में वापस 370 लगाए जाए। भैया कौन दुनिया कौन सा नशा करता है, सभी सबको नहीं समझ में आता है, मत तुरा काला से 370 वापस हो जाएगा। कहते हैं जस करनी तस भोग ही पावा, पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पाल पोस के बड़ा किया, आज इनको समझ में आता है इन आतंकवादी पाकिस्तान के लिए खतरा बन गया। हाँ खैर अल्लाह इन आतंकवादियों पर रहम करे, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी तो इन्हें रहम करने वाली है नहीं, इन लोग को लगता है कि किसी मासूम को बम फोड़ के मार देंगे, किसी होटल में ट्रेन में बम फोड़ देंगे तो इन्हें अल्लाह माफ़ करेगा और जन्नत देगा। देखिए आतंकवादियों को माफ़ करना या ना करना ये अल्लाह का काम है, लेकिन आतंकवादियों को अल्लाह तक पहुंचा देना ये हमारी इंडियन आर्मी का काम है, तो हमारी इंडियन आर्मी इन लोग को इनके मुकाम तक पहुंचाती है। खैर अब क्या कीजिएगा, इन लोग को समझ में नहीं आता, पता नहीं कौन इन लोग को पढ़ा देता है कि किसी होटल में जाके आप मार दीजिएगा, मासूम बच्चों को बम से उड़ा दीजिएगा, गोली मार दीजिएगा, रेलवे स्टेशन पर जाके बस स्टैंड पर फोड़ के, तो इन्हें जन्नत मिलेगा और जन्नत में इनको 70-70 तो हूर मिलेगी, परी मिलेगी। जब हाल है ससुर इन सौ का मेंटेलिटी देखो, हम लोग हिंदुस्तान वाले सोचते हैं कि मरने के बाद शांति मिलेगा, ये सब ससुरा दुनियादारी बहुत खराब चीज़ है, इस ससुरा मरने के बाद वो सोचता है सब हूँ एकदम ठर, मतलब वो 70 को का व्यवस्था सोच के रखता है। बताओ भाई ये कौन बात है यहाँ पे, ये बताइए इसको कोई चढ़ा दिया कि इसको 70 हूर मिलेंगी, सब जाके बम फोड़ दिया ताज होटल में, इसको क्या हाल हुआ होगा, चिथड़ा उड़ गया इसका, इसको जन्नत मिल गया होगा। देखिए पाकिस्तान के 90% लोगों को, 90% लोगों को लगता है कि भारत से युद्ध होगा तो ये लोग जीत जाएंगे, 90%। केवल 10% लोगों को लगता है कि वो हार जाएंगे, और वो 10% जानते हैं कौन है, पाकिस्तान की फौज है, बस इनके फौज को ही लगता है कि ये लड़ाई में हार जाएंगे, बाकी इनकी जनता तो दूसरी दुनिया में जीत रही है, इन्हें लगता है गजवाए हिंद, हिंदुस्तान कोई बर्थडे का केक है, आएंगे काट के छल जाएंगे, गजवाए हिंद, अरे इतना थूरेंगे लोग ना तोरा पाकिस्तान को कि हम लोग पूरा पाकिस्तान को भगवाए हिंद करके रख देंगे, गजवाए हिंद करने चले। अरे यार तुमको कौन समझाए कि इतना सपना
सपना दिन में मत देखा करो। और हिजड़े कितना भी सपना देखना, हिजड़े कभी बाप नहीं बन सकते, तुम्हारा सपना ही रह जाएगा भारत को जीतने। ससुर हम लोग चांद पे चल गए, लोग मंगलयान लेके मंगल ग्रह पे चल गए, अभी सोच रहा है कि कश्मीर में कैसे घुसा जाए। सोचो ससुर हम कितना समझाएंगे, हमारा समझने तुम समझेगा? खैर आप लोग समझ गए ना, ये रिपोर्ट उपोर्ट से कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे ही ये रिपोर्ट आई है। और होगा भी तो क्या करेंगे हम लोग, पे चाकू गिरे तरबूजा पे चाहे तरबूजा गिरे चाकू पे, कटना तो तरबूजा को है, यही लोग कटेंगे लोग यहाँ पर, और क्या करिएगा हम लोग को। आई होप आप इस रिपोर्ट को समझे होंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद। तो दोस्तों देखा आपने, ये खान सर की रिपोर्ट थी, खान सर की वीडियो थी जिसमें उन्होंने यूएस रिपोर्ट का खुलासा किया है। और ये यूएस की जो रिपोर्ट आई थी, ये हर 4-5 साल में ये रिपोर्ट आती है क्योंकि उनके सोर्स इतने स्ट्रांग होते हैं, वो उस चीज़ को पहले से ही उस पर बात कर लेते हैं। अब जैसे फादर ऑफ कोरोना चाइना के बारे में, जो चाइना इंडिया की झड़प है वो होती रहेगी और चाइना जो है वो भी अपने नापाक मंसूबे तैयार करता रहेगा। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने अपने देश के नौजवानों से कहा है कि भाई एनडीए सीडीएस के एग्ज़ाम निकाल लो, तो फिर ये 2024-25 में जो ये मंसूबे बना रहा है ना पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए भारत के ऊपर हमले करने का, तो आपको एक मौका मिल जाएगा कि आप जाएं और इनकी धुलाई करके आएं बॉर्डर पर। तो ये जो जितने ये है ना, इनका ये जो गजवाएं हिंद चल रहा है, तो ये कितना अच्छा बोला कि गजवाएं हिंद को भगवाएं हिंद में हम तब्दील कर देंगे। बस ये है कि ये अपने मंसूबे जो बना रहे हैं इनको खत्म करना जरूरी है। और अगर ये युद्ध होता है तो जैसा खान साहब ने कहा है तो ये बहुत भयावह होगा, क्योंकि पाकिस्तान को ये समझना होगा कि वो टकरा किस तरह है भारत से। आज के समय में भारत को कोई हल्के में नहीं ले रहा है, जानते हैं इस वक्त भारत की ताकत क्या है। और ये थोड़ा सा आई थिंक कुछ महीने पहले का ये वीडियो है, तो उस वक्त भारत में वैक्सीनेशन नहीं हुआ था उस हद तक, लेकिन फिर भी हमारा देश और मुल्कों को, जो और गरीब मुल्क हैं, जो और परेशान हाल मुल्क थे, उनको वैक्सीन उपलब्ध करा रहा था। आज के समय में अगर आप देखेंगे तो हमारे कंट्री में 80 करोड़ से आई थिंक ज़्यादा ही रिकॉर्ड हो चुका है, इतने लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, हो रहा है, सेकेंड डोजेज भी ले रहे हैं और इतनी फर्स्ट डोज भी लग चुकी हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कंट्री जो अपने मुल्क में अपनी जनता का ख्याल रखते हुए आपस में सब मिलकर इस परेशानी से निकल रहे हैं, पेंडेमिक से, वहीं पाकिस्तान जो है वो इतने बुरे माहौल में जहां दुनिया तबाह हो गई, नशर नशर हो गया सब तरफ, वहीं पाकिस्तान जो है वो गजवाए हिंद, जिहाद, इन्हीं सब में पड़ा हुआ है। और अगर ये भेजते हैं तो फिर ये इनका क्या हाल होने वाला है, इन्हें समझ के रखना चाहिए। अब यूएस की ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, ये ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट जिसके बारे में बात की, इसमें ये होता है कि जो इसमें जैसे रिफ्यूजीज की बात की गई, चाइना इंडिया रिलेशन की बात की गई, पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी हमले की आशंका जताई जा रही है और ये बहुत बड़े स्तर पर हमले की मंसूबे बना रहे हैं, तो ये सारी रिपोर्ट की बात की, तो इसमें आप दो बातें तो देखें, वो तो सही हो ही गई है ना, रिफ्यूजी क्राइसिस पैदा हो चुका है, ना कि केवल म्यांमार में बल्कि आप अफगानिस्तान में देखें कितनी तादाद में निकलकर लोग अफगानिस्तान से बाहर भागे हैं। और फिर आप ये देखें कि जो इसमें यूएस और इंडिया और चाइना झड़प की बात की गई है, वो भी सारी चीज़ें हो रही हैं लगातार। चाइना जो है वो अपने नापाक हरकतें कर रहा है, वो ही करता है कि वो इस तरह से चीज़ों को घुमा फिरा के पाकिस्तान के जरिए और चीज़ें करवाता है। पाकिस्तान के रास्ते तो पाकिस्तान पे तो वो काबिज होगा एक दिन, पाकिस्तान के रास्ते तो वो चाह रहा है कि दुनिया पे बादशाहत कायम करूं, और उसमें जो है बेवकूफ़ पाकिस्तान उसे मिल चुका है, वही तालिबान का है, तालिबान को भी पाकिस्तान मिल चुका है। तो ये पाकिस्तान जो है गलत ही लोगों का साथ दे रहा है, गलत ही कर रहा है खुद भी, तो ये कैसे उम्मीद कर रहा है कि ये अपने मंसूबे तैयार करेंगे 24-25 में, तो ये खुद बच जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा अटैक भारत की तरफ से होगा अगर पाकिस्तान अपना कोई भी नापाक मंसूबा तैयार करता है भारत के खिलाफ। और इस रिपोर्ट में जैसे कि बताया है तो ये चीज़ें तो हो रही हैं ना, फादर ऑफ कोरोना के बारे में जो कह रहे थे, और ये भी बिल्कुल सही कहा कि जब जब अमेरिका में जो जैसे अभी जो बाइडेन का राज है, तो इन लोगों के काल में, बराक ओबामा के काल में आप देखें बहुत ज़्यादा युद्ध होते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ छिड़ती हैं, कुछ इस तरह का माहौल हो जाता है, कुछ इस तरह की सिचुएशन लाकर खड़ी कर देते हैं कि क्योंकि इनके फिर हथियार बिकते हैं, ये उसमें लगे रहते हैं कि वही उन्होंने कहा ना कि अंधेरे का डर वही दिखाएगा जिसको टॉर्च बेचनी हो अपनी, तो ये जो है वो इस तरह से करते हैं अपनी सुपर पावर का एक मकाम बनाए रखने के लिए। दोस्तों इस यूएस नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की रिपोर्ट में जो एक बात कही गई है जोर देकर कि पाकिस्तान आतंकवाद को बहुत ढील दे देगा, तो वो ढील देना उसने शुरू कर दी है। आप देखें अभी कश्मीर में भी आतंकवादी पकड़ा गया है जिंदा, और लगातार घुसपैठ की जा रही है, और तालिबान की तरफ से भी ये बहुत इस तरह से खुशी जाहिर कर रहे हैं कि तालिबान आ गया है तो अब हमें कश्मीर मिल जाएगा, हम इस तरह से काबिज हो जाएंगे पूरे भारत पर। सो ये सब चीज़ें जो है वो अभी से होना शुरू हो गई हैं, हालांकि ये कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि ये 2024-25 में आतंकवादी हमला करेंगे, लेकिन उसके मंसूबे जो है वो अभी से तैयार हो रहे हैं। तो बहुत सतर्क
सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है यहाँ भारत को, और तमाम भारतवासियों से मैं यही कहूंगी कि जो भी इख्तलाफात हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी पॉलिटिकल लीडर से, वो जो भी हों, उनको एक साइड रख के सबसे ऊपर अपने मुल्क को रखें, अपने मुल्क की हिफाजत, अपने मुल्क को महफूज रखने के बारे में सोचें। और जैसे कि खान सर ने इस वीडियो में कहा कि NDA CDS में एक बहुत बड़ा मौका है, आप 2024-25 में अगर पाकिस्तान की धुलाई करना चाहते हैं जो बॉर्डर पे वो आतंकवाद भेजेगा, तो उसके लिए बहुत कमर कस लें और तैयार हो जाएं। तो ये बहुत ही अच्छी बात लगी। और बाकी आप बताएं मुझे कि वीडियो कैसा लगा, और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो अपने नापाक मंसूबे तैयार कर रहा है, आतंकवादी तैयार कर रहा है, 2024-25 में एक आतंकवादी हमला करने की फिराक में है, तो भारत इसे रोक पाएगा? और उसके लिए भारत को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्या भारत का ऐसा सख्त कदम होना चाहिए जिससे पाकिस्तान के इन नापाक मंसूबों को ध्वस्त किया जा सके? सो आपकी जो भी राय आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने इस प्यारे मुल्क का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।